इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। महाराष्ट्र में भी एक नाटक जारी है। पिछले कई दिनों से हुकूमत बनने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव के नतीजे तो आ चुके हैं और मोदी सरकार का वैसे भी दूसरा पड़ाव यानी दूसरी मुद्दत जारी है। वैसे तो आवाम पहले से ही 5 सालों से तंग आ चुकी थी। कई सारे इल्मी दानिश्वर और सियासी सलाहकार कह रहे थे कि मोदी सरकार दोबारा हुकूमत नहीं बना सकती। हुआ यूं कि ना सिर्फ हुकूमत बनाई बल्कि अक्सरियत भी इनके हक में आई। लिहाजा इसके बहुत सारे वजूहात बयान किए जा सकते हैं, पर जो जीता वही सिकंदर। खैर, फिर एक बार महाराष्ट्र के इंतखाबात के जरिए भाजपा और मोदी सरकार की गिरती हुई साख पर चर्चा जारी है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के नतीजे निकलकर हफ्ता गुजर गया, पर अभी भी हुकूमत बनाने को लेकर सन्नाटा छाया हुआ है। नई हुकूमत बनाने की चहल पहल कहीं नजर नहीं आ रही। वही दूसरी ओर भाजपा खेमे में किसी के इंतकाल होने जैसा माहौल है। इसकी वजह भी इतनी ही संजीदा है, क्योंकि पिछले इंतखाबात में भाजपा शिवसेना ने अलग अलग इंतखाबात लड़े थे, लिहाजा दोनों ने मिलकर चुनाव तो लड़ा, पर सवाल यह आन खड़ा हुआ है कि हुकूमत किसकी बनेगी। शिवसेना यह मौका नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा पहले से ही उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि फर्जंद आदित्य ठाकरे ही महाराष्ट्र के वजीर आला बनेंगे। शिवसेना के संजय राउत ने भी यही इशारा देते हुए कहा कि घमंड और तकबूरी में कई सिकंदर डूब गए और जमीन में दफन हुए हैं, और साहेब कहकर मोदी, फडणवीस और अमित शाह की तरफ इशारा किया कि इनका कहना है कि आदित्य ठाकरे को वजीर आला बनाया जाए और इस पर भाजपा जिद ना करे। और एक बात यह भी अहम है कि तमाम तमाशे के पीछे सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि भाजपा और शिवसेना दोनों हिंदुत्व के अलंबरदार होने की बात कहते रहते हैं, जबकि शिवसेना चाहती है कि महाराष्ट्र में सिर्फ शिवसेना का ही बोलबाला और दबदबा हो, और शिवसेना का वजूद भी महाराष्ट्र और मराठी मानुष के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और मौजूदा हालात में रियासत पर हुकूमत करने का मौका भाजपा खोना नहीं चाहती, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ भाजपा यह चाहती है कि शिवसेना इनके सामने झुक कर रह जाए, जो शिवसेना को मंजूर नहीं। यह सच्चाई भी है कि भाजपा जहां कहीं भी इंतखाबात लड़ती है तो छोटी पार्टियों को निगलने की कोशिश करती है, पर शिवसेना को निगलना इनको महंगा पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो पहले के मुकाबले में थोड़ा कट्टर हिंदुत्ववाद से भी शिवसेना हटती नजर आ रही है। लिहाजा दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सियासी धुरंधर शरद पवार खेल को दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी मिलकर हुकूमत का बनना तय नजर आ रहा है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी हुकूमत बनने से इनकार नहीं किया, तो दूसरी तरफ साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चव्हाण ने भी हुकूमत बनाने के इम्कान का इजहार किया है। लिहाजा शिवसेना आगे अपना वजूद और तसल्लुत कायम रखने के लिए भाजपा को धुतकार के कांग्रेस, एनसीपी से इत्तेहाद यकीनी नजर आ रहा है। शरद पवार को महाराष्ट्र के तमाम इख्तियार सोनिया गांधी की जानिब से हासिल हुई है। संजय राउत ने भी नफी का मुजाहरा किया है, पर सुशील कुमार शिंदे ने इस पर एतराज किया है। वह इसलिए भी कि कांग्रेस को बतौर सेक्युलर पहचाना जाता है तो शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर भाजपा को इख्तदार से दूर रखना है तो इत्तेहाद की हुकूमत जरूरी है, और जाहिर है इससे भाजपा को बड़ा झटका लगेगा। भाजपा अगर कर्नाटक की तरह खरीद फरोख्त या फूट डालो की अगर हुकूमत यहाँ पर अगर वो करना चाहती है तो वो महाराष्ट्र में यह तरीकेकार ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकता। लिहाजा शरद पवार किंग मेकर बन सकते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ की हालत है और सबसे पहले बाढ़ मुतासिरीन को मिलने वाले कायद रहे, जिससे यह भी पैगाम गया कि सिर्फ हुकूमत के लिए झगड़ने वाले भाजपा शिवसेना को चाहिए कि वो शरद पवार से सबक सीख ले। यहाँ पर भी बाढ़ आई है, शरद पवार वहां पहुंच रहे हैं, आवाम की परेशानियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आवाम में एक तरफ का गुस्सा है कि सिर्फ कुर्सी के लिए आवाम की परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिवसेना आदित्य ठाकरे को वजीर आला बनाने की जिद पर है, तो भाजपा का कहना है कि अगर 9 तारीख को सरकार न बनी तो सदारती हुकूमत यानी राष्ट्रपति राजवट को नाफिज किया जाएगा। इसका जवाब भी खैर शिवसेना ने दिया है, अगर ऐसा हुआ तो हम अक्सरियत साबित करने के लिए करने में कामयाब होंगे, यानी कि शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर हुकूमत बनाना तकरीबन तय है। भले जनादेश कुछ भी हो, लेकिन तस्वीर तो यह साफ नजर आ रही है कि मुल्क भर में भाजपा विरोध माहौल बनता जा रहा है और उसमें हर रोज इजाफा ही होता जा रहा है।
इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।